आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार हर घर तिरंगा भी फहराया गया और ग्राम पंचायत करसुआ ग्रंट में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम प्रधान सहित समस्त अध्यापक व देशभक्त मौजूद रहे। उसके बाद बच्चों की रैली को वापस स्कूल में लाया गया, फिर बच्चों ने प्यारे प्यारे गीत सुनाकर देशभक्ति का आनंद लिया। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री राम प्रताप दीक्षित व अपने सुंदर वचनों के साथ 15 अगस्त के बारे में सभी बच्चों व बैठे सम्मानित लोगों को जानकारी दी, जिसके पश्चात मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम समापन किया गया। तो आइए देखते हैं, सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रधान अध्यापक ने क्या जानकारी दी, साझा करते हैं। करसुआ ग्रंट हरदोई से सर्वजीत कुमार की खास रिपोर्ट। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की दास्ता के बाद, 200 वर्ष की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। इसलिए ये दिन हमारे लिए, हमारे इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस दिन की गरिमा बनाए रखने के लिए हमको सतत प्रयास करना पड़ेगा। 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने हमारे देश में धीरे धीरे लोगों को बांट करके, फूट डाल करके अधिकार करना शुरू कर दिया था। पहले वो एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए और व्यापार करने के बहाने धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए और फिर उनके गवर्नर जनरलों ने सहायक संधि, हड़प नीति आदि बहुत सी नीतियां ला करके
हमारे देश के राजाओं को, नवाबों को आपस में लड़ाया और एक एक करके सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया। लगभग 100 साल के अंदर 1850 तक उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार, जुल्म हम लोगों पर ढाए जा रहे थे। हम लोग अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आज़ादी से रह नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे, अपने त्यौहार भी नहीं मना सकते थे। हिंदुओं मुसलमानों का अपमान करने के लिए सेना में उन्होंने सुअर और गाय की चर्बी से युक्त कारतूस चलवाए, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था। तो इन सब बातों से धीरे धीरे जनता के अंदर एक आक्रोश की भावना, एक नाराजगी की भावना फैल गई और सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें बैरकपुर छावनी के